अच्छा बच्चों, तो सूरह अनफाल का जो सेकंड लास्ट रुकू था, अपनी पिछली क्लास के अंदर हम उसको स्टडी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सूरह अनफाल का जो लास्ट रुकू है हम उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद जो इल्म की फजीलत का आखिरी टॉपिक हमारा रह गया है इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। तो लिहाजा पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जंग के बाद के मामलात हुए, कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की तरगीब देने के लिए, जंग के लिए मोटिवेट करने के लिए किस तरह से उनको ग्रुप बंदी का हुक्म दिया, उनको किस तरह मोटिवेट किया कि अगर अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि अगर 20 अफराद हों तो 200 के लिए काफ़ी हों, और अगर 100 अफराद हों तो 1000 अफराद के लिए काफ़ी हों। इसी तरह उसके बाद फिर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि भाई अभी तुम में किसी कदर कमज़ोरी बाकी है, तो लिहाजा अगर 100 अफराद साबित कदम होंगे तो मैं अतईन यानी 200 पर गालिब रहेंगे, और 1000 अगर साबित कदम रहने वाले होंगे तो 2000 पर अल्लाह के करम से गालिब होंगे। फिर उसके बाद जो जंगी कैदी थे उनके हवाले से हमने डिस्कस किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा किराम की यही राय थी कि इनको जो गिरफ्तार किया है इनसे फ़दिया लिया जाए, और फ़दिया लेने के बाद इनको रिहा कर दिया जाए। क्योंकि जब ये गिरफ्तार हो गए थे तो गिरफ्तार होने के बाद, मैंने पहले भी बताया था कि जो आयत हमने पढ़ी थी कि ये कुफार ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं समझते, जो कुछ समझ नहीं रखते, इसकी बड़ी तफसील के साथ मैंने वजाहत की थी कि ये किन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। ये वही लोग थे कि जो अपने सरदारों के डर से, उनके रोब व दबदबे की वजह से खौफ में मुब्तला होकर मुसलमानों से लड़ने के लिए आ गए थे, और हकीकत में वो भी जानते थे कि मुसलमान जो है वो हक पर है, ना इन्होंने कभी किसी को तकलीफ दी है, ना किसी को ईजा पहुंचाई है, और ये तो बस अपने मजहब की बात करते हैं, नेक बात करते हैं, दूसरों को जो है वो भलाई की बातें बताते हैं, भलाई की बातें सीखते सिखाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने बाकायदा हम पर कोई हमला तो नहीं किया, क्योंकि 12 साल जो मक्की ज़िंदगी का दौर गुजरा है उस दौर के अंदर भी कोई किसी किस्म की एक्टिव रेजिस्टेंस मुसलमानों की तरफ से कुफार पर नहीं की गई। तो लिहाजा इसीलिए वो जानते थे, लेकिन क्योंकि उनके जो बड़े बड़े सरदार थे उतबा शैबा वलीद अबू जहल, उनकी तरफ से हुक्म था कि भाई लड़ने के लिए जाना है, और सरदार का हुक्म कैसे ना मानते, तो डरे मारे ये भी जो है वो मुसलमानों से लड़ने के लिए जंगे बदर में आ गए थे। अब जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद बहुत सों ने इस बात का क्लेम किया कि हम तो जो है वो नहीं आना चाहते थे, मरे बांधे को हम यहाँ पर आए हैं। और रसूलुल्लाह भी जानते थे कि ये लोग जो हैं ये इनकी हमसे जाती को दुश्मनी नहीं है, बल्कि ये अपने सरदारों के दबाव में आकर, अपने सरदारों के बहकावे में आकर, उनके डर के मारे ये जंग के लिए आ गए हैं। तो लिहाजा इसलिए रसूलुल्लाह की और दीगर सहाबा किराम की यही राय थी कि इनसे फ़दिया लेकर इनको जाने दिया जाए, और जो फ़दिया अदा नहीं कर सके उनके बारे में यही मामला रखा गया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाराज़गी का इजहार फरमाया कि पैगंबर को शाया नहीं, ये पिछले क्लास में हम सब पढ़ चुके हैं कि पैगंबर को शाया नहीं कि उसके कब्ज़े में ग़ुलाम रहें, उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक कि वो अच्छी तरह खून ना बहा लें, और उसके बाद फिर तो जो ये फ़दिया तुमने लिया है इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, ये सारी बातें उसके अंदर आई थी। तो अब मामला ये था कि जो कैदी थे, जाहिर सी बात है उसी वक्त तो अपना फ़दिया अदा नहीं कर सके वो, क्योंकि जो माल गनीमत था वो मुसलमानों के हाथ आ चुका था। तो लिहाजा अपने अपने घरों को मक्के की तरफ उन्होंने लोग दौड़ाए कि वो उनके घरों से जो भी मालो मता है, जो भी रकम है, वो लाकर अदा कर सके उनकी रिहाई की। तो ऐसे में मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो जंगी कैदी थे इसके अंदर बहुत सारे रहमी रिश्ते भी मौजूद थे, यानी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मक्के के मुशरिकीन में, कुफार में शामिल थे, साथ वो जंग के लिए आए थे, और जो महाजरीन थे जो मक्के से हिजरत करके मदीने रसूलुल्लाह के साथ आ चुके थे, मुसलमान थे, उनके सगे भाई भी थे, भतीजे थे, बच्चे थे, उनके जो है रिश्तेदार थे, उनके करीबी खुराबतदार थे सारे के सारे।
तो लिहाजा जिस पर हज़रत उमर ने मशवरा भी दिया था कि भाई ये फैसला किया जाए कि जो जिसका सबसे करीबी खराबतदार है, रिश्तेदार है, वो अपने हाथों से अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। लेकिन बहरहाल इस पर अमल नहीं किया गया और उनको माफ करने का फैसला किया गया। तो लिहाजा इन लोगों में जो कि कैदी हाथ आए थे, उन कैदियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी शामिल थे। आपके जो एक दामाद थे, आपकी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके शोहर अबुल आस, वो भी इस जंगी कैदियों में शामिल थे। तो और भी इसके अलावा बहुत से लोग थे जो कि डरे बांधे, रसूलुल्लाह जानते थे कि ये वही लोग हैं जो डरे बांधे अपने सरदारों से खौफ खाकर उनके हुक्म पर लब्बैक कहते हुए लड़ने के लिए चले आए हैं, और वो भी इस बात का क्लेम कर रहे थे। लेकिन अब इस बात को तो माना नहीं जा सकता था कि हो सकता है कि कुछ लोग उनमें से डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमान हमें मार डालें, तो डर के मारे ये हीले बहाने कर रहे हो कि भाई हम तो आप पर ईमान लाना चाहते थे, हम तो जानते हैं कि आप सच्चे हैं, लेकिन बस हम तो जो है वो डर के मारे, अपने सरदारों के खौफ के मारे हम ईमान नहीं लेके आए और मजबूर होके चले आए। बहरहाल जो भी था, लेकिन जंग का तो कानून है, वो कानून है सबके लिए एक है कि अब जब आप गिरफ्तार हुए हैं तो जो सबका कानून है कि आपने फिदिया देकर ही आज़ादी हासिल करनी है, फिदिया देकर अपने आप को रिहा करवाना है, तो वो कानून सबके लिए अप्लाई होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप ईमान लाना चाहते थे, डरे बांधे आप नहीं आ सके, तो वो तमाम मामलात इस आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। तो रात का वक्त था और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कराहने की आवाज़ जब रसूलुल्लाह ने सुनी, तो जब जाके मामला देखा तो उनके जो बंद थे हाथों के, तमाम कैदियों के बड़े ही मजबूती के साथ बांधे गए थे, क्योंकि कोई पहले जेल वगैरह तो होती नहीं थी कि इस तरह से पकड़ के कैदियों को बंद कर दिया जाए, जेल के अंदर डाल दिया जाए। तो यही होता था कि जो कैदी वगैरह होते थे उनके हाथ पांव बांध कर उनको खेमों में रखा जाता था। तो उन्हीं में ये सारे लोग भी शामिल थे क्योंकि जंगी कैदी थे उस वक्त। तो ये तो उनकी कराने की आवाज़ जब रसूलुल्लाह ने सुनी तो आपने हुक्म दिया कि भाई तमाम जितने भी, खाली ये नहीं कहा कि खाली अब्बास का, बल्कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर जो कैदी हैं, इनको इतना मजबूती से ना बांधो, इतना सख्ती से इनको ना बांधा जाए, थोड़ा इनके बंद जो हैं वो सबके ढीले किए जाएँ कि इनको तकलीफ ना हो। तो उसके बाद फिर बहुत सो के घरों से जो सामान था वो आना शुरू हुआ, जिसमें हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो थी, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अपने शौहर अबुल आस की रिहाई के लिए उन्होंने वो हार भेजा जो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको तोहफे में दिया था। तब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो हार आया तो आपकी आंखें अश्कबार हो गईं, और आपके सामने वही सारे मंजर जो हजरत खदीजा की मोहब्बत थी, जिस तरह से उनकी वफादारी थी, जान निसारी थी, वो सब बातें आपके सामने आईं, और आप पहचान गए कि यह हार वही है जो हजरत खदीजा ने इनको तोहफे में दिया था। तो आपने सहाबा किराम की मुशावरत से कि भाई ये हार जो है ये एक माँ का जो है उसकी बेटी के पास निशानी है, तो लिहाजा इसको क्या आपका ख्याल है कि वापस कर दिया जाए, तो सहाबा किराम की मुशावरत से फिर वो हार वापस कर दिया गया। तो बहुत से लोग उसमें यही क्लेम कर रहे थे कि वो मुसलमान होना चाहते थे, लेकिन जो कायदा था वो कायदा था। अब जब कैदी बन चुके थे, जब जंग में आ चुके थे और कैद किए जा चुके थे, उनको जो है वो कैदी बनाया जा चुका था, तो अब वो बात उनकी नहीं मानी जा सकती थी जब तक कि वो रिहा नहीं हो जाते। हाँ, उनके लिए फिर ये कायदा आया है कि ठीक है आप अपनी रिहाई हासिल करें, जो फिदिया है वो अदा करें, और रिहाई हासिल करने के बाद आप वापस जाएं, वापस जाके आप हिजरत करें, हिजरत करके आप आएंगे, ऐलान करके आप आएंगे कि हाँ जी आप मुसलमान हो रहे हैं, आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, हिजरत करके उसके बाद आप आएंगे तो आपकी इस गवाही को कबूल किया जाएगा, बेशक फिर आपके जो है वो अपना भाई बनाया जाएगा, आपकी इस सारी बातों को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कानून है वो यही है कि फिदिया अदा करें। तो अब जरा देखिए इस आखिरी रुकू की तरफ, बुक सबके पास है बेटा? बच्चों बुक है आपके पास? अरीशा, महक, मुस्कान, बेटा आवाज आ रही है? यस सर, बुक है आपके पास? नहीं है? है सर। हाँ, पेज नंबर 42 देखिए जरा, आखिरी आयत, आखिरी रुकू, पेज नंबर 42। या अय्युहन नबी कुल मन फी अईदीकुम मिनल असरा, असरा मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले भी रुकू के अंदर ये बात आया है, असीर की जमा है और असीर का मायना होता है कैदी। तो या अय्युहन नबी कुल मन फी अईदीकुम मिनल असरा,
يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. کہ اے پیغمبر جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال غنیمت تم سے چھینا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا کہ جو تم نے اب تک گناہ کیے ہیں کہ تم مسلمانوں سے ٹکرائے ہو وہ سب تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. کہ کفار تو یہی خیال کر رہے تھے کہ جو مال غنیمت تھا جو ہم ساتھ لے کر آئے تھے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا, جو قیدی تھے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ جو ہم لے کر آئے تھے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے گیا اور ساتھ ہی جو فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے اس میں بھی ہماری رقم جا رہی ہے تو لہٰذا ہمیں تو لوٹا جا رہا ہے ایک طرح سے. ان کے ذہن میں دلوں میں یہ بات آ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھائی یہ مت سوچو کہ تمہارا مال تم سے چھینا جا رہا ہے یا کچھ ہے, یہ تو جنگی قانون ہے وہ تو سب کے لیے ایک سا ہے, لیکن تم ایمان لے آؤ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور جو مال تم ابھی دے رہے ہو خرچ کر رہے ہو یہ نہیں ہے کہ تمہارا نقصان ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ یہ مال جو ہے تمہیں اس سے بہتر عنایت فرمائے گا, اس سے بہتر تمہیں عطا فرمایا جائے گا, تمہارے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ تمہارا فائدے کا سودا ہے. اور ساتھ ہی جو تمہارے پچھلے گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا, کیونکہ جب تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ تم ایمان لانا چاہتے ہو تو واقعی اگر سچے دل سے ایمان لانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خیر جانے گا تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو اے پیغمبر جو قیدی تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا ہے مہربان ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہے, یعنی ہو سکتا ہے بہانے بازیاں کر رہے ہیں, ہیلے بہانیاں کر رہے ہیں کہ بس ہم جو ہے وہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائیں, مسلمانوں سے کسی طرح جان چھڑا کے ہم چلے جائیں, اور اس وقت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے آپ سے جنگ, ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں وغیرہ وغیرہ, اور واپس جا کے دوبارہ اس طرح کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں, دوبارہ کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی کرتے رہے, یہ تو پہلے بھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ بھائی پہلے جو ہے وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا. تو لہٰذا اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایسا پہلے بھی کرتے رہے, ان کو دغا بازی اگر یہ کرنا چاہیں گے تو پہلے بھی یہ ایسا کر چکے ہیں, اس کے نتیجے میں یہی تو ہوا کہ ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے. یہ جنگ بدر کی صورت میں کیوں ہوا ہے؟ اسی لیے تو ہوا ہے کہ انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد, سب کچھ دیکھنے جاننے کے باوجود بھی انہوں نے آیات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا, انہوں نے دین اسلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو لہٰذا اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں, تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا, اور خدا دانا حکمت والا ہے. اب دیکھیں نا, بڑی شان و شوکت سے بڑے ہی گھمنڈ کے ساتھ یہ لوگ نکلے تھے, اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ بھئی مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے, ہمارے سامنے شیطان ان کو کس طرح سے بہکا کر لے کر آیا تھا, اور یہ بھی بڑے ہی بہکاوے میں آ کے بڑی فخر کے ساتھ گھمنڈ کے ساتھ نکلے تھے کہ مسلمانوں کی مجال ہی کیا ہے کہ مسلمان ہمارے سامنے ٹک سکیں, ہم تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اور 1000 کا لشکر اور کمپلیٹ تیاری کے ساتھ, 800 گھوڑ اونٹ, 200 گھوڑے اور پانی بھی ان کی طرف تھا, بڑی ہی تیاری کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے, بڑی گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے, لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغا کی, مسلمانوں کے خلاف آئے اور مسلمانوں سے مدد کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا. تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ آج یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں, کتنے ان کے مارے, 70 ان کے مارے جا چکے اور 70 جو ہے وہ ان کے قیدی بنا لیے گئے. تو لہٰذا یہ دغا پہلے بھی کر چکے ہیں, اور اگر یہ اس وقت ہیلے بہانے کر بھی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں, ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم تو پہلے ہی آپ پر ایمان رکھتے تھے, تو یہ اس قسم کی ہیلے بہانے بازیاں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. تو اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں اور اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا, اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا گیا اور خدا دانا حکمت والا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. اب یہاں پورا قاعدہ قانون آ گیا. یہاں پر
मैंने पहले भी बताया था कि आयत नंबर 70 के अंदर ईमान वालों की कंप्लीट डेफिनेशन आएगी, जो हम पहली रुकू के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि बेशक जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, जो ईमान लाए हैं, वही अल्लाह के नज़दीक सच्चे ईमान वाले हैं। पहली आयत हमने पढ़ी थी, किसी को अगर याद हो तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या फरमाया था कि अल्लज़ीन युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन है। ये पहले जो है वो मोमिन की डेफिनेशन आ गई थी। अब यहाँ पे दोबारा मोमिन ईमान वाले कौन है उनकी डेफिनेशन आई है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए, यानी महाजरीन। अच्छा, अब खाली महाजरीन की बात तो नहीं है, अब क्योंकि अब मदीने के अंदर तो अंसार भी मौजूद थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना उन्होंने जो है वो मुहिमात में हिस्सा लिया, जंगे बदर में भी शरीक रहे, तो वो जो अंसार थे क्या उनके लिए कोई इनाम नहीं होगा? तो इसीलिए यहाँ पर उन खास अंसार का भी जिक्र आ रहा है कि वो लोग जो ईमान लाए, कि जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी। अब हिजरत करने वालों को जगह किसने दी थी? अब मुसलमान जो मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे, वो तो बेसरो सामान अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मक्के में मदीने हिजरत कर गए थे ना। कुफार की जब अजियतें, उनकी तकलीफें, उनकी सितम जरीफियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो लिहाजा मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीने आ गए थे। और रसूलुल्लाह ने मक्के में मदीने में आकर सबसे पहले क्या काम किया था कि आपने मीसाक़े मदीना का मुआहिदा कर दिया था, आपने जो है वो इनको महाजरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया था, हर महाजर दूसरे अंसार का भाई भाई हो गया था। तो लिहाजा जो अंसार थे उन्होंने इनको अपने घरों में भी जगह दी, अपने जमीनों पर जगह दी, अपनी जो दुकानें थी उनमें जगह दी, हर तरह से इनको जो है अपना शराकत दार, अपना भाई तस्लीम किया। और इसी तरह मिसाक मदीना का मुआहिदा दूसरी अक़वाम के साथ भी हुआ, जो दूसरे कबीले थे उनके साथ भी हुआ। तो लिहाजा अब यहाँ पे अंसार का खास तौर पे जिक्र आया है कि वो लोग, अभी तक तो पहले तो उन लोगों की बात चल रही थी पिछली भी, जो मैंने पहले रुकू का हवाला दिया, ये उन्हीं लोगों की बात हो रही थी ना जो हिजरत की, जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने जो है वो ईमान लेकर आए, जो नमाज कायम करते हैं वो मोमिन है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी यानी अंसार, और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, यानी आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, एक दूसरे के हकदार हैं। वल्लज़ीन आमनू वलम युहाजिरू मालकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं। अब ये खास गुमान यही है कि ये उन्हीं लोगों के बारे में बयान हो रहा है जो कि कैदी हैं, कि जो कह रहे हैं कि भाई हम तो आप पर ईमान ले आए थे, हम तो जो है आप पर ईमान रखते थे, मगर हमने ऐलान नहीं किया था अपने सरदारों के डर की वजह से। हम तो जानते थे कि आपका दीन सच्चा है, हम तो आप पर ईमान ले आए थे कि आप सच्चे हैं, मगर हमने अपने सरदारों के डर की वजह से हिजरत नहीं की या किसी और मामलात की वजह से हिजरत नहीं की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि भाई जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, जब हिजरत का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था मक्के से मदीने आने का, तो सारे सहाबा किराम जो रसूलुल्लाह के साथ थे, जो मुसलमान थे, वो हिजरत कर गए थे। लेकिन अब ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं उनके हवाले से है कि भाई जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करें तुमको उनकी रफाकत से कुछ सरोकार नहीं है, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा वो फिदिया अदा करें, फिदिया अदा करके वापस जाएं, ऐलान करें बाकायदा कि वो मुसलमान हो रहे हैं, और उसके बाद हिजरत करके आए, और आने के बाद जब वो ईमान जो है वो लेकर आएंगे, वो आके ऐलान करेंगे, तब उनकी गवाही कबूल की जाएगी। लिहाजा अभी अगर वो ये बात कहते हैं तो हो सकता है डर के मारे कह रहे हों, हीले बहाने कर रहे हों। तो लिहाजा जब अगर इतने ही सच्चे ईमान वाले वो थे, ईमान लाना था उनको, तो जब हिजरत का हुक्म दिया उस वक्त हिजरत क्यों नहीं की? तो लिहाजा इसीलिए कि जो लोग हिजरत कर गए लेकिन जो लोग ईमान ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत नहीं करेंगे तुमको उनकी रफाकत से, उनकी हमदर्दी से कोई सरोकार नहीं है। वइनस्तन स्वरूकुम फिद्दीन फअलैकुमुन नसरु इल्ला, नसर कहते हैं मदद करने को, ठीक है ना, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور وہ لوگ, اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو تم کو مدد کرنی لازم ہے, مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے, اور خدا
तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। अब इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं आपको। पहली बात तो ये है कि वो लोग जो ईमान ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो उनकी रफाकत से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। वो अगर तुम्हें भाई भाई कहते हैं तो तुम्हें उनकी कोई भी उनकी रफाकत से, उनके इस बर्ताव से सरोकार नहीं है। लिहाजा वो जाएं और जाकर ईमान लेके आए, बाकायदा ऐलान करें, ऐलान करके हिजरत करें, उसके बाद आकर उनकी गवाही कबूल की जाएगी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है, यहाँ दो पहलू बयान किए गए हैं। पहला पहलू तो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं कर पा रहे किसी वजह से, या उनको हिजरत नहीं करने दी जा रही, जो उनके सरदार हैं, जो हाकिम है वक्त हैं, वो जालिम हैं, वो जुल्म करते हैं, उनको हिजरत नहीं करने दे रहे, या फिर जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पर हालात उनके लिए बड़े तंग किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जिंदगी के मामलात बड़े सख्त किए जा रहे हैं, तो जनाब उनकी मदद आप करने के, अगर वो आपको मदद के लिए पुकारें कि भाई हम आपके मुसलमान भाई हैं, हम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जैसे मक्का अगर ये चले जाते हैं मिसाल के तौर पे और वहां से मदद के लिए पुकारते हैं कि हमें जो है हिजरत करने नहीं दी जा रही, हमें जो है सताया जा रहा है, लिहाजा आप हमारी मदद के लिए आए, तो लिहाजा अब क्योंकि वो ईमान का ऐलान तो कर चुके हैं वहां पर और हिजरत नहीं कर पा रहे, या वहां पर उनके जिंदगी के हालात बड़े सख्त हो गए हैं, तो आप उनकी मदद के लिए आपको जाना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो ईमान तो ले आए हैं लेकिन हिजरत नहीं कर पाए, तो लिहाजा आपको वहां जाकर उनकी मदद करना जरूरी है। लेकिन अब ये चीज है कि एक बंदा ये भी कह रहा है कि मैं ईमान भी ले आया हूँ, दूसरी बात वो हिजरत भी नहीं कर रहा, और हालांकि हिजरत करने की वो इस्तेआत भी रखता है कि वो हिजरत कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, सख्ती नहीं है, फिर भी जो है वो हिजरत नहीं कर रहा, तो अब ऐसों को तो मदद फिर करना बेकार है ना, क्योंकि जब उसको पता है कि वो हिजरत भी कर सकता है, वो जा सकता है, मगर फिर भी वो नहीं जा रहा, फिर भी वहां जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहा है। हिजरत क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जब किसी जगह के माहौल, वहां के मामलात आपके मुखालिफ हो जाएं, आपके लिए मनफी हो जाएं, तो आप हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं ताकि आपको जिंदगी के मामलात सुकून के साथ गुजर सकें। तो लिहाजा अब जब आप ईमान ले आए हो और आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, कोई आपको रोक भी नहीं रहा, आप पर जुल्म सितम भी नहीं कर रहा, आप फिर भी हिजरत नहीं कर रहे हो और फिर भी मुसलमानों को मदद के लिए पुकार रहे हो कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आकर कुछ करें, तो लिहाजा ऐसों की मदद करना बेकार है। अब दूसरी एक चीज तो ये है कि एक इंसान को हिजरत नहीं करने दी जा रही, मजबूर किया जा रहा है, ठीक है ना, या वहां पर सताया जा रहा है, वहां पे हालात जो हैं मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो जो है मुसलमान मदद करने के लिए जा सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि अगर किसी कौम से मुआहिदा है, जैसे मिसाल के तौर पे बाद में मक्के वालों के साथ सुलह हुदैबिया का मामला हो गया था, सुलह हुदैबिया के अंदर ये बात तय हो गई थी कि भाई हम जो है वो एक दूसरे से सुलह करते हैं और एक दूसरे को आने जाने से नहीं रोकेंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, नुकसान एक दूसरे को नहीं पहुंचाएंगे, तो लिहाजा सुलह हुदैबिया हो गई थी। अब अगर सुलह होने के बाद मिसाल के तौर पे एक शहर दूसरे शहर वालों से सुलह कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, अमन का मुआहिदा कर लेता है कि भाई हम जो है वो आपसे अमन का मुआहिदा करते हैं कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, अब अगर उस शहर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उस शहर के अंदर मुसलमानों के साथ कोई नाइंसाफी होती है और वो मुसलमान मदद के लिए पुकारते हैं कि आप हमारी मदद के लिए आओ, तो आप मदद के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका उस कबीले के साथ, उस शहर के साथ अमन का मुआहिदा साइन हुआ हुआ है, आपका उनसे एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है कि आप उनके साथ नहीं लड़ेंगे, तो लिहाजा अब ऐसे में अगर कोई मदद के लिए पुकारता है तो उसकी मदद के लिए आपको जाना जरूरी नहीं है और ना आप जाएंगे। तो अगर उनको इतनी परेशानी है, उस जगह पे कोई मुसीबत है, कोई उनको हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, तो फिर वो जो है हिजरत कर लें, हिजरत करके मदीने आ जाएं और आकर यहाँ पे रहना शुरू कर दें। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता, एक तरफ उस कबीले के साथ अमन का मुआहिदा भी है और अगर वहां पे मुसलमानों पे कोई जुल्म हो रहा है, उस इलाके के अंदर कोई नाइंसाफी हो रही है और मुसलमान मदद के लिए पुकारे, तो हम उस शहर के ऊपर, उस कबीले के ऊपर जाके हमला कर डालें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, यानी किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरी कबीले से तुम्हारा सुलह का जो है मुआहदा हुआ हुआ हो, मदद नहीं करनी चाहिए और खुदा तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। तो अगर भाई किसी को परेशानी है, किसी को जो है वो मुश्किलात का सामना है, तो वो हिजरत कर ले, हिजरत करके मदीने आ जाए, वहां पे आके रह ले और मुसलमानों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम। तो और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और राह और खुदा की राह में लड़ाइयां करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। अब यहाँ दोनों की बात आ गई। इससे पहले की आयत भी हमने पढ़ी है, दूसरी आयत नंबर 71 उसके अंदर 72 उसके अंदर भी ये बात आ चुकी है। अब ये आयत नंबर 74 है उसमें भी वही बात आई है, मोमिन की डेफिनेशन आई है। अल्लाह के नज़दीक सच्चे मोमिन कौन है कि उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, के जो लोग ईमान लाए, वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, कि उनके लिए खुदा के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। वल्लज़ीना आमनु मिन बादु वहाजरु वजाहदु मअकुम फाउलाइका मिनकुम व उलुल अरहामि बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाहि इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार खुदा के हुक्म की रोह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कि बेशक जो महाजरीन और अंसार के दरमियान मुआहदा हुआ कि महाजरीन को अंसार का भाई भाई बना दिया, महाजरीन अंसार को भाई भाई कर दिया, तो अब क्या जायदादों में भी उनका हिस्सा होगा? नहीं। यहाँ पे बात आ गई कि भाई जो तुम्हारे रहमी रिश्ते हैं, जो तुम्हारे सगे रिश्ते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो उनके मुकाबले में तुम्हारे विरासत के, तुम्हारे माल दौलत के ज्यादा हकदार है, तुम्हारे विरसे के ज्यादा हकदार है। उलुल अरहाम कहते हैं रहमी रिश्तों को, जो करीबी रिश्ते होते हैं उनको कहा जाता है। कि और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं, और रिश्तेदार खुदा के हुक्म की रोह से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं, इन अल्लाह बिकुल शैइन अलीम, कुछ शक नहीं कि खुदा हर चीज से वाकिफ है। तो यहाँ पर हमारी जो है सूरह अनफाल तमाम हो गई। अब यहाँ पे पहला सवाल है कि अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की इन आयात में कैदियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? कौन बताएगा भाई? आप में से कोई बताए मुझे, कैदियों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? बताइए भाई। सारे खामोश हो गए। देखिए ना, पहली आयत है ना भाई, हमने पढ़ी है कि ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में, या अय्युहन नबी कुल लिमन फी अयदीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतीकुम खैरन मिम्मा अखिज़ मिनकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे हाथ में गिरफ्तार है, उनसे कह दो कि अगर खुदा तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छीन लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाया जाएगा, तुम्हें फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी बख्श देगा। लेकिन वही जुरीदु खियानतका फकद खानुल्लाह मिन कब्लु फअमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही खुदा से दगा कर चुके हैं, तो इस ने इनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे क्या सवाल है, इन आयात में अल्लाह ताला ने हिजरत और नुसरत के बारे में क्या बातें बयान फरमाई है? तो यहाँ पे इसकी दूसरी आयत है, यहाँ पर मौजूद है दूसरी आयत। क्या है कि भाई जो लोग ईमान लाए, इन लजीन आमनु वहाजरु वजाहदु बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि व लजीन आवा व नसरु उलाइका बादुहुम औलिया उबाद व लजीन आमनु व लम युहाजिरु मालकुम मिन बिवला। अच्छा सॉरी, इसका जवाब जो है वो आयत नंबर 74 के अंदर मौजूद है कि वल्लज़ीना आमनु वहाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरु उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मग़फिरतुम व रिज़्कुन करीम। कि और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए नुसरत, इनके लिए क्या कामयाबी है के लहुम मग़फिरतुम व रिज़्कुन करीम, के इनके लिए खुदा के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है, ये इसका जवाब है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ आयात यहाँ पर मौजूद हैं भाई। तो पहली आयत है हमारे पास वल्लज़ीना आमनु वहाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवा व नसरु उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अब ये दूसरी आयत है, यानी आयत नंबर 74 है, वही यहाँ पे मौजूद है कि और जो ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और खुदा की राह में लड़ाइयाँ करते रहे और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग
सच्चे मुसलमान है, इनके लिए खुदा के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। तो यहाँ पे आज हमारी सूरह अनफाल जो है वो तमाम हो गई। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो सूरह अनफाल की इंपॉर्टेंट आयात हैं उसका इंशाल्लाह समरी और उसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। तो लिहाजा आप मेंटली अपने आप को तैयार करके रखिएगा भाई, अगली क्लास के अंदर ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि जनाब हम यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करें और वहां से जो है जवाब ही ना आ रहा हो। अभी भी मैंने 2-3 बार चीजें पूछी हैं मगर सामने से आप लोग जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अगली क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली क्लास के अंदर आप लोगों ने बुक सामने रख के वेल प्रिपेयर्ड बैठना है, तो जो कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा आप लोगों ने उसका भरपूर जवाब देना है, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, अब जरा इल्म की फर्जियत और अहमियत का टॉपिक हमने शुरू तो कर दिया था मगर ये टॉपिक हमारा आधा हुआ था, मुकम्मल ये टॉपिक हमारा नहीं हो चुका था। तो जरा इसका हुसूल इल्म की अहमियत, सॉरी दौरे नबूवत में इल्म की अशात जो है उसको और फिर हुसूल इल्म की अहमियत को हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद अपनी क्लास फिर हम ऐड करते हैं कि भाई इल्म की अशात के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग़ज़वा बदर के बाद जो काफिर कैदी आजाद होने के लिए फिदिया ना दे सके, अभी हम पढ़ चुके हैं ये सूरह अनफाल में, ठीक है ना, जो फिदिया ना दे सके उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन को भी इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलब इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म और हिकमत मोमिन की मताए गुमगश्ता है, जहां से मुयस्सर हो हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि वही इसका सबसे ज्यादा हकदार है। अब हुसूल इल्म की अहमियत क्या है, अब देखें ना इल्म की अहमियत इतनी है कि पहला जो अल्लाह ताला ने हम पढ़ चुके हैं कि वही जो नाजिल फरमाई वो इकरा नाजिल फरमाई के पढ़िए, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने इंसान को पैदा किया। तो इल्म की बड़ी अहमियत है, हुसूल इल्म की अहमियत के जज्बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मुसलमान को इल्म की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। कुरान ने दीन की बुनियादी अहकाम के साथ साथ दुनियावी फलसफे तारीख गजा सेहत और साइंसी उलूम पर गौर व फिक्र की भी दावत दी है। रिस्क हलाल भी इस्लाम का तकाजा है, इसलिए मोमिन को माशी उलूम फ़नून से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बंदा मोमिन की इबादत का मकसद तकवा और रज़ा इलाही का हुसूल है। तो कुरान में इरशाद होता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं, यानी इल्म वाले जो हैं वही अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते हैं, अल्लाह से डरते हैं। तो ये भी जरूरी है कि जो इल्म हासिल हुआ है उसे आगे फैलाया जाए। अब देखिए ना, इल्म अगर इंसान किसी दूसरे को सिखाता है, कुछ पढ़ना लिखना सिखाता है, तो ये सदका जारिया है, ये सवाब जारिया का काम है कि अगर इंसान मर भी जाएगा, सवाब जारिया वो चीज़ है, वो सवाब है कि जो इंसान के मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है। तो इंसान मर भी जाएगा, अगर किसी को इंसान ने पढ़ना लिखना सिखाया है तो जब तक वो इंसान पढ़ता लिखता रहेगा उसको फायदा तो पहुंचेगा, साथ ही जिसने सिखाया है उसको भी बराबर का जवाब मिलेगा। इसी तरह कुरान पढ़ना अगर आप किसी को सिखाते हैं तो जब तक वो बच्चा कुरान पढ़ता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। यही नहीं बल्कि वो आपसे पढ़ा हुआ बच्चा जिसको आपने कुरान पढ़ना सिखाया है, वो बच्चा अगर आगे 10 बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएगा तो उस 10 बच्चों के पढ़ने का सवाब भी आपको मिलता रहेगा कि आपका फैलाया हुआ इल्म आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये क़यामत तक के लिए आपके लिए सवाब जारिया का काम बन जाएगा। तो अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। ये भी जरूरी है कि जो इल्म हासिल हुआ है उसे आगे फैलाया जाए, दिए से दिए को जलाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मफहूम ये है कि मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसे आगे पहुंचा दो, उसकी तबलीग कर दो। इसी तरह आखिरी हज के मौके पर इरशाद फरमाया कि यानी जो हाजिर है वो उस तक मेरी बात, मेरी ये तालीम पहुंचा दे जो यहाँ नहीं है। और फिर हुसूल इल्म के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक, कब्र में उतरने तक हुसूल इल्म का अमल जारी रखने का की हिदायत फरमाई है। इरशाद होता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये भी फरमाया कि मोमिन इल्म से कभी सैर नहीं होता, यह भी कभी उसका दिल नहीं भरता, बल्कि जितना उसका दिल करता है वो हासिल करता रहता है, पढ़ता रहता है, इल्म हासिल करता रहता है। तो मोमिन इल्म से कभी सैर नहीं होता, हत्ता कि जन्नत में पहुंच जाता है।
तो यहीं पे आज अपने टॉपिक को हम जो है वो कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर फर्दर जो अगली सूरत है या अगली जो अहादीस वगैरह है इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।